वेलकम बैक ऑल लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड. स्टूडेंट्स टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फोर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ल्ड्स ब्यूटी ऑफ नेचर. वर्ल्ड्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑन द अर्थ. वर्ल्ड्स जो हैं वो पृथ्वी का एक बहुत ही सुंदर जीव है. दे हैव सेवरल डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स. ये अलग अलग और विशेष प्रकार के गुण रखती हैं. सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स माइट बी कॉमन विद द अदर एनिमल्स. कुछ गुण इनके अन्य जानवरों से मिलते हुए होते हैं, सेम होते हैं. बट सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर फाउंड इन वर्ड्स ओनली. लेकिन कुछ गुण केवल और केवल वर्ड्स में ही पाए जाते हैं. लाइक दे कैन फ्लाई विद देयर विंग्स, ईट एंड पिक फूड विद देयर बीक्स एंड होल्ड फूड विद देयर क्लॉज. जैसे कि वे अपने पंखों के द्वारा उड़ सकते हैं, अपनी चोंच के द्वारा अपने खाने को पकड़ सकती हैं, खा सकती हैं, और अपने क्लॉज के द्वारा अपने फूड को पकड़ सकती हैं. तो ये क्या है, उनके कुछ विशेष गुण हैं जो केवल वर्ड्स में ही पाए जाते हैं. ये गुण किसी अन्य एनिमल में नहीं होते हैं. वी व्हेन वी लुक अराउंड, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, वी फाइंड वर्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस. तो हम क्या क्या पाते हैं कि हम अपने चारों ओर जब देखते हैं तो पाते हैं कि अलग अलग प्रकार की, अलग अलग कलर्स की और अलग अलग साइज की वर्ड्स को देखते हैं. बट ऑल वर्ड्स हैव सम कॉमन फीचर्स. लेकिन सभी वर्ड्स में कुछ गुण जो होते हैं, कुछ विशेषताएं समान होती हैं, कॉमन होती हैं. लाइक ऑल ऑफ देम हैव वन वीक, जैसे कि सभी की एक चोंच होती है. टू आईज, दो आँखें होती हैं. टू विंग्स, दो पंख होते हैं. टू लेग्स, दो पैर होते हैं. विद क्लॉज, पंजों के साथ. ऑन ईच फुट एंड बॉडीज कवर्ड विद फेदर्स, और उनके दोनों पैरों पर और पूरी बॉडी पर क्या होता है, फेदर होती है. देयर आर अबाउट 8600 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड. पूरे विश्व में 86 प्रजातियां पाई जाती हैं बर्ड्स की. एंड अबाउट 1200 स्पीसीज ऑफ देम आर फाउंड इन इंडिया. और जिनमें से 2000 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं. लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ वर्ल्ड. चलो वर्ड्स की कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं. बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है. द बॉडी ऑफ अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ हेड, टेल, विंग्स, फेदर्स, वीक एंड लेग्स. वर्ड्स की जो बॉडी होती है वो एक हेड से, टेल, विंग्स, फेदर्स, वीक एंड लेग्स से मिलकर बनी होती है. द बोन्स ऑफ द वर्ड्स आर हॉलो. वर्ड्स की जो बोन होती है, जो हड्डियाँ होती हैं, वो खोखली होती हैं. ऑल थ्रो द बोन्स आर वेरी लाइट इन वेट, बट देयर फ्रेमवर्क इज वेरी स्ट्रॉन्ग. और इनकी जो बोन्स जो होती हैं वो वेट में बहुत हल्की होती हैं, लेकिन इसका जो फ्रेमवर्क ढांचा होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. द फ्रेमवर्क ऑल्सो हैज़ अ पर्टिकुलर शेप दैट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द वर्ड्स बॉडी. जो ढांचा होता है वो
एक अनोखे आकार का होता है जो कि वर्ल्ड की बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द एरोप्लेन शेप्ड बॉडी ऑफ वर्ल्ड्स हेल्प्स देम टू कट थ्रू द एयर वाइल फ्लाइंग एंड हेंस हेल्प देम इन फ्लाइंग। वर्ल्ड्स की जो एरोप्लेन शेप्ड की जो बॉडी होती है वो उनको उड़ते वक्त हवा को काटते हुए आगे बढ़ने में मदद करती है और उनको उड़ने में मदद करती है। फेदर्स, वर्ड्स हैव ब्यूटीफुल फेदर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स शेप्स एंड साइज। वर्ड्स की फेदर जो होती है वो अलग अलग शेप की, कलर्स की और साइज की होती है, वो बहुत सुंदर होती है। सम वर्ड्स हैव ब्राइट कलर फेदर्स। कुछ वर्ड्स की जो फेदर होती है वो कैसी होती है, ब्राइट कलर्स की होती है, कलरफुल होती है। वाइल सम ऑफ देम हैव शाइनी ब्लैक और ग्रे फेदर्स, जबकि कुछ की शाइनी ब्लैक और ग्रे कलर की फेदर होती है। फेदर आर ऑफ टू टाइप्स, फ्लाइट फेदर एंड डाउन फेदर्स। फेदर्स जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्लाइट फेदर, एक होती है डाउन फेदर। फ्लाइट फेदर्स आर लॉन्ग एंड आर प्रेजेंट ऑन द विंग्स एंड टेल ऑफ अ बर्ड्स बॉडी। फ्लाइट फेदर जो होती है वो लंबी होती है और बर्ड की बॉडी के टेल और विंग्स पर प्रेजेंट होती है। दे हेल्प देम टू फ्लाई, वह उन्हें उड़ने में मदद करती है। दीज फेदर्स आर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, और ये जो फेदर होती है ये कठोर और मजबूत होती है। डाउन फेदर्स आर स्मॉल सॉफ्ट एंड फ्लफी एंड आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ अ बर्ड। डाउन फेदर जो होती है वो छोटी होती है, स्मॉल, मुलायम और फ्लफी होती है और बॉडी, बर्ड की पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होती है। दे हेल्प देम इन कीपिंग देयर बॉडी वार्म, और ये उन्हें अपनी बॉडी को गर्म रखने में मदद करती है। विंग्स ऑफ बर्ड्स, ए बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स। बर्ड्स जो होती है, एक चिड़िया अपने पंखों की हेल्प से उड़ती है। विंग्स आर लाइक द आर्म ऑफ अ बर्ड। विंग्स जो होते हैं वो एक चिड़िया के आर्म के जैसे होते हैं। विंग्स हैव फेदर्स, विंग्स में फेदर्स होती है। ए बर्ड ऑल्सो हैज स्ट्रॉन्ग मसल्स, एक बर्ड एक स्ट्रॉन्ग मसल्स भी रखती है। विच मूव्स द विंग्स अप एंड डाउन, जो कि उसकी विंग्स को ऊपर नीचे मूव करती है। When the birds flap their wings to fly, जब चिड़िया अपने पंखों को फ्लैप करती है, उड़ने के लिए फ्लैप करती है, the air present under the wings lift the bird upward and forward. तो उसके जो विंग्स में प्रेजेंट एयर होती है वो लिफ्ट होती है और बर्ड ऊपर की ओर और आगे की ओर बढ़ती है। द अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड अप स्ट्रोक मूवमेंट, और यह ऊपर की ओर और आगे की ओर की गति को, पंखों की इस गति को क्या बोलते हैं, अप स्ट्रोक मूवमेंट। व्हेन द बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स टू कम डाउन देन विंग्स डू डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, और जब बर्ड अपने विंग्स को नीचे की ओर फ्लैप करती है
तो उसके विंग्स जो होते हैं वो नीचे की ओर और आगे की ओर गति करते हैं। दिस डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ विंग्स इज कॉल्ड डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। और पंखों के इस नीचे की ओर और आगे की ओर की गति को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रोक मूवमेंट। दस दीज टू मूमेंट्स अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक हेल्प अ बर्ड टू फ्लाई। और ये दो मूमेंट, ये दो गतियाँ अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक बर्ड को उड़ने में मदद करती हैं। एड टू योर नॉलेज सम वर्ड्स डू नॉट फ्लाई एट ऑल। कुछ वर्ड्स क्या होती हैं, उड़ती नहीं हैं। दे मूव ऑन द लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। वो जमीन पर ही अपने पैरों की मदद से चलती हैं। कीवी पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ सच वर्ड्स। कीवी पेंगुइन और ऑस्ट्रिच ऐसी चिड़ियाओं के उदाहरण हैं। दीज वर्ड्स आर नोन एज रेटिट वर्ड्स। ऐसी ये वर्ड्स रेटिट वर्ड्स के नाम से जानी जाती हैं एज दे कैन नॉट फ्लाई। वाइल वर्ड्स दैट हैव द एबिलिटी टू फ्लाई आर कॉल्ड एज कैरिनेट वर्ड्स। जो कि उड़ नहीं पाती उन्हें क्या बोलते हैं, रेटिट वर्ड्स। एंड जबकि जो वर्ड्स उड़ने में एबल होती हैं, जो उड़ सकती हैं, उन्हें बोलते हैं कैरिनेट वर्ड्स। नो द फैक्ट वर्ड्स चेंज देयर डायरेक्शन टू फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ टेल्स। चिड़िया जो होती है वो अपनी उड़ान की दिशा को अपनी पूंछ की मदद से चेंज करती है। अब द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लाइट ऑफ वर्ड्स। फर्स्ट सम वर्ड्स फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंसेस। कुछ वर्ड्स केवल कुछ ही दूरी तय करती हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉक हैन एंड पीकॉक। जैसे कि कॉक है, हैन है एंड पीकॉक है, ये क्या है, कुछ ही दूरी तक उड़ते हैं, ये ज़्यादा लंबी दूरी की उड़ान नहीं करते। सेकेंड है सम वर्ड्स लाइक पिजन एंड क्रॉ फ्लाई ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। कुछ वर्ड्स जैसे कि पिजन है एंड क्रो है, ये कुछ लंबी दूरी तय करते हैं। थर्ड है सम वर्ड्स लाइक स्पैरो फ्लाई एट लो हाइट्स। कुछ वर्ड्स जैसे कि स्पैरो है वो नीचाई पर ही उड़ती है। फोर्थ द वर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल वल्चर एंड काइट फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। कुछ वर्ड्स जो होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंचाई पर उड़ती हैं, जैसे कि ईगल है, वल्चर है एंड काइट है। दे हैव वेरी शार्प आईज टू सी देयर प्रे ऑन द ग्राउंड। और उनकी बहुत ही ज़्यादा शार्प पैनी आँखें होती हैं, जिससे कि वे ग्राउंड में अपनी प्रे को देख सकती हैं। प्रे मीन्स उनका जो भोजन होता है, जो वो खाती हैं, कीट मकोड़े जो भी कुछ वो। अब एड टू योर नॉलेज वर्ड्स कैन फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। वर्ड्स आसमान में बहुत ऊंची उड़ सकती हैं। द वर्ड्स लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेस। वर्ड्स जो होती हैं वो बहुत ही ठंडे स्थानों पर रहती हैं। मूव टू वार्मर प्लेसेस इन विंटर्स। तो ऐसी जो वर्ड्स होती हैं जो बहुत ठंडे स्थानों पर रहती हैं, वो क्या करती हैं, जब विंटर का टाइम आता है तो वो अपने स्थान को चेंज कर देती हैं। दे ले देयर एग्स देयर एंड वैन द विंटर्स आर ओवर दे मूव टू देयर नेटिव प्लेस
विद द देयर यंग वंस। और वो क्या करती हैं, वहाँ पर अपने एग को ले कर देती हैं, और जब विंटर ख़त्म हो जाती है तो वो अपने देश मतलब अपने नेटिव प्लेस पर वापस आ जाती हैं, अपने यंग वंस मतलब उनके जो बेबी वर्ड्स होते हैं उनके साथ। दिस पीरियोडिक मॉस मूवमेंट ऑफ वर्ल्ड इज कॉल्ड माइग्रेशन। और इस मूवमेंट को, इस पीरियोडिक मूवमेंट को हम बोलते हैं माइग्रेशन। वीक ऑफ वर्ड्स, वीक इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेन ऑफ वर्ड्स। चोंच चिड़ियाओं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स ईट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अलग अलग प्रकार की वर्ड्स जो होती है वो अलग अलग प्रकार का भोजन खाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक। इसलिए वो अपनी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग उनकी अलग अलग प्रकार की चोंच होती है। नो द फैक्ट ए बर्ड नेम आर्किड टर्न्स कम टू इंडिया इन समर आफ्टर कंप्लीटिंग अ जर्नी ऑफ अबाउट 15,500 किलोमीटर्स। एक बर्ड जिसका नाम है आर्किड, वो भारत में गर्मियों में अपनी 15,500 किलोमीटर्स की जर्नी को पूरा करने के बाद वापस आती है।